Hello everybody, welcome back into the class. I hope you all are safe in your homes. Okay, so now we will read the topic experimental arrangement of separation of the components of the air. Now we will read firstly, the air is passed through filters so that dust particles are removed. ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं वो हम इसमें देखेंगे. लास्ट टॉपिक था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हमने ये फ्लो चार्ट देखा था एक एयर का, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर का पूरा फ्लो चार्ट हमने देखा था. आज हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एयर के सेपरेशन के. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट द एयर इज पास थ्रू फिल्टर सो दैट डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड. सबसे पहले हमें जो एयर का सेपरेशन होता है, एयर कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको फिल्टर से पास कराया जाता है. किसको, एयर को फिल्टर से पास करवाया जाता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो रिमूव हो जाएं. उसके बाद इन फिल्टर द डस्ट फ्री एयर इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड. उसके बाद हमें जो डस्ट फ्री यानी कि जो एयर बच जाती है, यानी कि जब हम फिल्टर कर देते हैं एयर को, तो क्या हो जाती है, बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती है. और जो डस्ट फ्री एयर होती है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं और कूल करते हैं. ठीक है, फिल्टर होने के बाद, फिल्टर कर लिया सबसे पहले, तो फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, कंप्रेस्ड और कूल कर लिया उसको बिलो द टेम्परेचर ऑफ 0 degree Celsius. वाटर सेपरेट्स एज आइस. जब हम उसको 0 degree Celsius से भी कम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो किस में सेपरेट हो जाता है, वाटर सेपरेट एज आइस में. ठीक है, ऑन फर्दर कूलिंग, उसके बाद हम जब और कूलिंग करवाते हैं, कब तक, -78.5 degree Celsius तक. पहले तो किस क्या टेम्परेचर था, 0.5 degree Celsius, और अब कितना ले रहे हैं हम, -78.5 degree Celsius पर. जब हम उसको और कूल करवाते हैं एयर को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है स्नो की तरह, यानी कि वो स्नो की फॉर्म में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है. Now air containing nitrogen, oxygen and argon is cooled. अब उस एयर को, यानी कि जिस उस एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और आर्गन भी है, उसको कूल करवाया जाता है. Now air containing is cooled up to, अब कितने तक करवाया जाता है, 200 से लेके -200 degree Celsius तक उसको कूल करवाया जाता है. सबसे पहले 0 degree Celsius पे, उसके बाद -78 degree Celsius पे, तो तब क्या बनती है, -78 पे कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद उस जो आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें -200 degree Celsius पे हम इसको कूल करवाते हैं, तो गैसेस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, द गैसेस चेंज इनटू लिक्विड. वापस जो गैस बनती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. द लिक्विड एयर इज डिस्टिलेट सो दैट नाइट्रोजन गैस इनटू गैसेस, लीविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन एंड आर्गन. तो जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाती है, गैस में, और लीविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन और आर्गन को लीव कर जाती है. द नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. अब जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कैसे कलेक्टेड हो जाती है, किस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं उसका, -96 degree Celsius से 183 degree Celsius से, सो दैट ऑक्सीजन इज चेंज इनटू गैसियस स्टेट. ताकि क्यों करवाना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है. ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड इन सेपरेट सिलेंडर्स. और जो सिलेंडर देख रहे हैं आप यहाँ पे, इन सेपरेट सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन है वो जाके कलेक्ट हो जाती है अंडर प्रेशर. आर्गन विच इज़ फ्री फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स. और जो आर्गन होती है वो बिल्कुल प्योर आर्गन जो गैस होती है वो किससे फ्री होती है, फ्री फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स से. वो कहाँ कलेक्ट हो जाती है, कलेक्टेड आउट फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है, जिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो आर्गन भी क्या हो जाती है, इससे आउट हो जाती है, और नाइट्रोजन भी आउट हो जाती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का. ठीक है, तो अब हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा उसको हम एक बारी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी हमें याद नहीं रहती, लेकिन हम क्या डायग्राम के थ्रू समझते हैं ना, तो हमारे को याद रहता है.
तो समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या करवाया जा रहा है बेटा, सबसे पहले एयर को क्या करवा रहे हैं हम, पास करवा रहे हैं फिल्टर से। तो जो फिल्टर की वजह से क्या हो रही है, एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव्ड होके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर इस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, जो ये हॉट एयर है उसको हम कहाँ पे भेज रहे हैं, ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे एयर भेजी जा रही है और यहाँ से हमारा जो ये वाटर है इधर से निकल रहा है। अब जो ये फ्रीज करवा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रही है, जो एयर हो रही है, जो हॉट एयर है वो क्या हो रही है, कोल्ड हो जा रही है, ठीक है। तो ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ पे कंप्रेसर की वजह से ये एयर जो कोल्ड हो जा रही है, उसके बाद ये कहाँ जा रही है, सीधा सेपरेटर में जा रही है। सेपरेटर क्या कर रहा है, जो गैसेस हैं इन गैसेस को सेपरेट कर रहा है। किस तरह से, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इधर से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, आउट यानी कि निकलती जा रही है, ठीक है। ये इसको ने जो ये हॉट एयर थी इसको कोल्ड एयर में, इन्होंने कंप्रेसर ने इसको चेंज कर दिया कोल्ड एयर में। अब जो ये सेपरेटर में आ गई है, अब सेपरेटर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आउट कर रहा है, ये ड्राई आइस की फॉर्म में ये इधर से निकल रही है, और बाकी की जो एयर है यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन वो किससे होती हुई, ये एक्सपांशन जेट से होती हुई यहाँ पे आ गई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जिसे कह रहे हैं हम, वहाँ पे आ गई। तो यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से भी इसका क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है आर्गन का भी और नाइट्रोजन का भी, ये दोनों भी क्या हुई, सेपरेट हो गई, और सिर्फ बाकी में लास्ट में क्या बच गया, जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन वो हमारा लास्ट में बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कलेक्ट हो गई। तो इसको बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। हमने पूरी एयर डाली थी, ठीक है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स थे एयर के, लेकिन सब क्या हो गए, सेपरेट सेपरेट हो गए। यहाँ से नाइट्रोजन एज अ ड्राई आइस भी सेपरेट हो गई, आर्गन निकल गई, नाइट्रोजन भी सेपरेट हो गई, और लास्ट में ऑक्सीजन भी सेपरेट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे एयर में हमने क्या किया, जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करने का, ये एक तरह का पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था जो अभी हमने देखा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको, एक बार फिर से रीड कर लेना खुद से, बुक में से, खुद अपन जब पढ़ते हैं ना बुक में से तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाउ कैन वी ऑप्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल, यानी कि हम किसी इम्प्योर सैम्पल में से प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किससे, सॉल्यूशन है हमारे पास उससे हम क्या करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द मैथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड ब्रिंग्स बाय एवोपरेटिंग द लिक्विड, यानी कि जो ये मेथड होता है क्रिस्टलाइजेशन का, कैसे जैसे हम सेपरेट करते हैं सॉलिड को लिक्विड से, सेपरेट करते हैं क्या करके, इवोपरेट करके, लिक्विड को इवोपरेट करके उसको हम क्या कहते हैं। हाउएवर इन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इवोपरेशन इज स्टॉप्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इनफ। जब सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है तो जो इवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, किसमें, क्रिस्टलाइजेशन में। The concentrated solution thus produced is allowed to cool slowly from crystal which can be separated by filtration. अब जो concentrated solution होता है वो क्या हो जाता है बेटा, produced हो जाता है, और जो concentrated solution बनता है उसको हम क्या करवाते हैं, उस concentrated solution को हमें क्या करवाया जाता है, cool करवाया जाता है, slowly slowly हम उसको cool करवाते हैं, ताकि जो वो solution है वो किस form में आ जाए, crystals की form में आ जाए, विच कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से हम जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा यानी क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिश्री यानी कि जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, मिश्री यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, शुगर क्रिस्टल्स जो होती हैं वो किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं बेटा, जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा उसी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मिश्री होती है, फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, जो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं उसके साथ, ताकि वो क्या बन जाती है, फिर शुगर क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि मिश्री बन जाती है। एन इम्प्योर सॉलिड इज प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन, एक कोई इम्प्योर सॉलिड है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ टू सॉलिड्स आर डिफरेंट, अगर दो
सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड्स. तो जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है वो दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के भी काम आता है. द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन द सूटेबल सॉल्वेंट टू गेट इट्स नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड्स इम्प्योर होते हैं, उनको डिजॉल्व करवाया जाता है किसी सूटेबल सॉल्वेंट में, ताकि हमें क्या मिल सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके. ठीक है, क्या करवाया जाता है, जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं उनको डिजॉल्व करवाया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट में टू गेट इट्स नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर किस तरह से रखते हैं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा. द कूलिंग ऑफ सच अ सॉल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस. उसके बाद जब हम कूलिंग करवाते हैं उस सॉल्यूशन की, तो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. यानी कि जो प्योर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, द सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मदर लिक्वर. जो सॉल्यूशन बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मदर लिक्वर. ऑल द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द मदर लिक्वर. इम्प्योर कॉमन सॉल्ट इज प्योरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन. जो बाकी की इम्प्योरिटीज जो भी बच जाती है उसको हम किससे, इम्प्योर कॉमन सॉल्ट, यानी कि जैसे कि इम्प्योर कॉमन सॉल्ट, इसको हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से. तो हमने यहाँ पे कुछ देखा, एप्लीकेशंस देखी यहाँ पे कुछ, कि किस किस को हम क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन को क्रिस्टल फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, ये हमने अभी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में देखा है. इसकी कुछ एप्लीकेशन भी गिवन है आपको, यानी कि कहाँ कहाँ किस तरह से काम आता है. प्रिपरेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. जो हमारा सॉल्ट होता है, यानी कि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें से हम क्या निकालते हैं, नमक निकाल के जो हमारा सॉल्ट होता है वो बनता है. तो उस वो किस प्रोसेस से बनता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस से ही बनता है. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर एलम. इम्प्योर एलम का सॉल्यूशन होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, एलम की क्रिस्टल्स बनाते हैं. ये भी किससे होता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही होता है.